हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज नाश्ते में बनाई है मटर की चाट। पति देव बोल रहे थे कई दिन से कि मटर की चाट बनाना, तो इस सीज़न में अभी बनाई है। तो दोस्तों, भाई आने वाला है और 10 बज चुके हैं, अभी चला है वो। मैंने अभी कॉल किया था उसे, तो बोल रहा था बस निकल रहा हूँ मैं, तो आ जाएगा। 3-4.5 घंटे लग जाते हैं वहाँ से आने में। तो बस उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद बस खाने की तैयारी कर देती हूँ। ये दोस्तों, आज तो बहुत सारा काम है मेरे पास, पैकिंग भी करनी है, इधर मैंने मशीन भी लगाई हुई है, तो फटाफट कर लेते हैं काम। मैंने पहले भाई को फ़ोन किया कि कितने बजे चल रहा है, तो वो बोल रहा कि ना ऐसा कर, जीजाजी के साथ ही आ जा, थोड़ा सा ना मुझे अर्जेंट काम है और ना मैं ऑफिस जा रहा हूँ अभी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं, आ जाऊँगी मैं, एक दो दिन बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर मतलब तैयार था और बोल रहा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मतलब ऐसे ही वो बना रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था। तो मम्मी ऐसे पीछे से बोली कि ना नहीं, वहीं आने के लिए निकल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उसको देख रहा था कि ना दीदी उदास तो नहीं हो जाएंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर अर्जेंट काम है तो कोई बात नहीं, पहले अपना वो कर लो, उसके बाद आ जाना, नहीं तो मैं आ जाऊँगी, तुम नहीं आ पाओगे। तो बोला नहीं, निकल रहा हूँ, बस मैं तैयार खड़ा हूँ निकलने के लिए। ऐसे बनाते हैं बेवकूफ़, लड़ लो, तुम लड़ लो। आ गया आ गया आ गया दोस्तों, भाई आ चुका है और 2:15 बज रहे हैं। 10:30 बजे चला था, 10 बजे 11 लेट हो गया था, 10 बजे कह रहा था, 10 बजे निकला, फिर 10 बजे का 10:30 निकला था, फिर बस शहर में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेट निकला है। 2:15 बज गए हैं और तेरे लिए तैयार है खाना, छोले छोले ही आता था ना, हम छोले बनाते थे, कहते जब भी आता हूँ मैं छोले ही बनाती हूँ। तो अब आज हमने बनाया मटर पनीर, ओके समझे, अब छोले नहीं खिलाएंगे तुझे, छोले खिला देते, पता लंबा है तो तुम ऐसे झुकना पड़ता जाने को मिलने के लिए। ये कह रहा है आज ही लेके जाऊंगा, और क्या कह रहा, पैकिंग कर लेना, अभी फोन किया था इसे थोड़ी देर पहले, ये पैकिंग कर लेना, अभी पैकिंग हुई नहीं है, वो 4:30 निकलेंगे 8 बजे तक। अभी स्टार्ट की थी मैंने, कर लेते हैं स्टार्ट और बस टाइम लगेगा। मैंने कहा जैसा कि बिजी है थोड़ा, ये कह रहा अभी लेके जाऊंगा। अच्छा, और थोड़ी देर पहले इसने फोन किया था कि पैकिंग कर लेना, लेके चलूंगा। चीला देखा, इसको यहाँ के चीले बहुत पसंद है, और वहाँ पानीपत में ना चीले नहीं मिलते, मतलब जो यहाँ पे मिलते हैं वहाँ नहीं मिलते। फोन कर दूंगा भैया, चीला आज थोड़ी जल्दी बनाना, हम शाम को चले तो चीले रह जाएंगे तेरे, चीले कैसे खाएंगे। ऐसा हो तो और वाले को, और तेरा काम खूब चलेगा वहाँ तो बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि वहाँ ऐसे चीले मिलते हैं ना, करेंगे जुगाड़ करेंगे। ये खिलाओ पिलाओ, क्या लेके आए बल, तो ये देखें मिठाई, ये हमारे लिए आया है, हम इसके लिए आए हैं, चाय वाली है। मिलती है पर ये वाली ऐसी नहीं मिलती, ऐसी क्वालिटी नहीं मिलती, वहाँ का जो टेस्ट है ना, सब जगह की स्पेशलिटी है ना, ज्यादातर पनीर की जलेबी लेके आता है, हम मंगवाते हैं यहाँ से। क्या लेके चले भैया, उसके लिए ले आया हूँ, खरगोश के लिए, वो जो खा सकता है उसके लिए वो ले आया हूँ। तो पैक है, ये हम ही दिखाएंगे क्या लेके आए, लेके गए हैं हम। जैसे इसको मना कर दिया था ना, मना कर दिया, उदास हो गया, उदास चेहरा करो, और क्या, इतने दिन से वेट कर रहे थे मैं, आएगी दीदी आएगी, फोन करना इसका डेली रात को, डेली कब आ रही है भाई, कब आ रही है। और ये इसी आवाज में जा रहा है, कह रहा है 2 दिन तो रुकेगी इसलिए, और क्या, पहले ले जाओ इसे, सही है, कल जाओगे, कल शाम को पहुंचोगे, आज ही पहुंचेंगे, अभी बताया नहीं। सुनो सुनो दोस्तों, पता है एक बात है,
ये ना घर से वहां से कह के आया है कि कल आएंगे, कल आएंगे, लेकिन ये लेके मुझे आज ही चला जाएगा वहां, सरप्राइज हो जाएगा सबके लिए। इसने मुझे रास्ते में अभी थोड़ी देर पहले फोन किया, दीदी ऐसा करते हैं हम धप्पा लगाएंगे, हां वहां पे सारों को पता चलेगा एकदम से, अरे तू तो कल आ रही थी, कल आने वाला था लेकिन आज कैसे आ गया। ये सरप्राइज अच्छा है, सब लोग हो जाएंगे। मम्मी कह रही अरे तू दो दिन के लिए आ रही है बस, क्या एक दिन और रुक, एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, कर लूं पैकिंग फटाफट से, पहले मुझे खाना खिला दें, खाना खा लेंगे करो आप ना, फिर पैकिंग कराएंगे, अरे फटाफट हो जाएगी, चलो ठीक है, चलो ठीक है ना, बंद रखा सबके सब, सबके सब टूट पड़े हैं, पनीर की जलेबी पर सब लोग टूट पड़े हैं। ये देखो आने की देर नहीं, उनको भी दे दो, बच्चों को, बच्चों को दे दो, लो बेटा, ना जी बच्चे नहीं खा रहे अभी, ये चल रही है पैकिंग, पूरा बाजार खुला हुआ है, इनके पास कपड़े नहीं है, ये जाने के लिए, और चल रही है मेरी बीबी मायके चली गई, अलग ही दिखता है ना वो, जाना नहीं चाह रही, फोल्ड है, जाऊंगी अब जाओ अभी मन ही नहीं कर रहा जाने का, देख ले क्यों ना जा रहे तुम लोग, पानी बोतल भर लो आप, हो गए तैयार बस, चलो अरे टाइम तो लगता ना, वो एकदम से अर्जेंट एकदम से बना है प्रोग्राम के, बस अभी लेके चलूंगा तो कैसे पैकिंग करने, पैकिंग करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, फटाफट से पैकिंग की है तीनों की, दोनों बच्चों की, अपनी, अभी लगता है कोई सामान रह जाए, जा तो मायके ही रहे हैं लेकिन सामान अपना रह गया तो फिर तो आ जाऊंगा, उसके तो आ जाएंगे और क्या, चला जा, आए दो मिनट में पैक कर, फटाफट दो मिनट में पैक करा देना, वही है कपड़े वही ले लेंगे, भाई ऐसे बैठ जा, जा आ रहा नहीं तो चीले खा के ही जाया, घर से निकल लिया हम लोग, और कह रहा गया देखते हैं चीले वाला भैया आ गया होगा, आ गया होगा तो फिर चीले खा के जाएंगे, शाम को ही खुलती है उनकी, और दिन में तुम खाएगा, दिन में चीले नहीं, मैं नहीं खाऊंगी यार। तो दोस्तों पतिदेव को ही फोन किया है कि चीले की शॉप पर आ गए हैं हम लोग, चीले खा के ही जाएंगे, तो बोल रहे तुम लोग खाओ और फिर अपना टाइम से निकलो, तो बस ये चीले खा ले, इसको शौक है बहुत ज्यादा, चीले यहाँ के बहुत पसंद आते हैं चीले, और वहाँ पे नहीं मिलते, मैं बताया था ये वाले चीले फेमस है, अच्छा जी बच्चों को बहुत पसंद है तो खा के ही निकलेंगे। दोस्तों चीले खा लिए हैं और निकल लिए हम लोग, सार्थक के अभी चल रहा है चीला, अभी पहुंच जाएंगे हम लोग, कितने बजे निकले, टाइमिंग हो गई है 5 बज गए हैं, 5 चीला खाने के बाद 5 बज गए हैं, अब लोग हम लोग 3-4 घंटे लग जाएंगे, 8:30-9 बज जाएंगे हम लोग, 2 दिन के लिए अकेले, फिर उसका पतिदेव आ जाएंगे 2-3 दिन बाद। दोस्तों पानीपत पहुंच चुके हैं हम लोग, बस यहाँ से मुड़ना है, ऐसे फॉग नहीं है लेकिन साफ मौसम है और बहुत आराम से आ गए, मैं तो ये लग रहा था कि शाम को निकल रहे हैं तो फॉग मिलेगा, सुबह के टाइम भी काफी था, कल तो कितना फॉग था मैंने दिखाया भी था, कल बहुत फॉग था और आज बहुत अच्छा मौसम है,
फोन करके पूछा कि कहाँ पे हो तो क्या कर रहे हो, मेरा मैं चाय बना रही हूँ। और इनका फोन आया, विष्णु के पास आया था। मैंने तो किया था 4:30 कि ना निकल लिए। किसी को नहीं बता रखा था, इतना सरप्राइज दे रहा है। उतर ही रहा अपने पापा की गोदी से, उतर रहा भारी हो रही है। सुबह से मिला नहीं रहा तो इसलिए खुश हो रहा है पापा की गोदी। कितना प्यार आ रहा है, गाड़ी बहुत पसंद है और इसको गागा बोलता है वो, तो इसको लेके चलते हैं, बहुत खुश होगा वो। और ये दुनिया दी है हमारे पास कुछ है। पानी कर दे, गाड़ी के लिए तो सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू बोल दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थोड़ा। कैसी है, कैसी लगी आपको? कैसी है बताओ, कैसी है? किसको कर रहा है ये? चलाओ अभी के पास आएगी, देखना वो आएगी के पास। अरे करो, कैसी है, कैसी लगी? शर्मा से रहे चीज ही खिला देता है। मम्मा मम्मा जरूर चाहिए। कुछ कह रहा है, क्या हुआ मम्मा? क्या मम्मा ने क्या कर दिया? पी पी कर दी छुट्टी। नहीं मम्मा, पी को ऐसे रुक जा, रुक जा, रुक जा, मम्मा को गुस्सा करेंगे। ऐसे नहीं, मेरे बेटा की पिट्टी नहीं करनी। कहाँ पे पिट्टी कर दी? बेशक मम्मा ने कहाँ पिट्टी कर दी? कहाँ पे पिट्टी की थी? यहाँ पे? कैसे करी, कैसे कैसे पिट्टी की थी? ऐसे मेरे को बचाएगा, मेरे को बचाएगा, मेरे हाथ
बुई को बता दो कैसे करना, बुई को ऐसे करके बता दो, बुई को करके बता दो, कैसे कैसे बुई के, बुई को करके बता दो, बुई को ऐसे करके, ऐसे नहीं ऐसे, मैं उसको बता नहीं कर ना मम्मा के साथ बुआ के करके बताओ, बुआ के कैसे, बुआ के करके कैसे बता दो, पानी पानी करने पहुंच गए लो, हगी 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 बुई किसकी है, किसकी है, वी की, वी की विश्रुत की, वी कहाँ है, वी कहाँ है, वी कहाँ है, कहाँ है वी, बता दो, अच्छा वी बुई को पारी कर दे फटाफट, बुई को पारी कर दे, बा 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 करता है आवाज साथ में, आवाज करता है ना, आवाज के साथ पारी होती है इसकी, और अपने आप को कह लगा वी विश्रुत को वी, चिपक गया कैसे, वैसे फिर से जो मुंह शगुन में वो हगी कर दे, हगी कर दो और पारी कर दो, दादी को करेगा, दादी के पास आया अभी तो, दादी के, दादी से तो डर के भागा था, दादी की पिट्टू से, पारी कर दो, पारी कर दो, ओ जगत कितना खुश हो रहा है, ओ बस सोना लिया जिन्होंने आज। तो दोस्तों 12 बज चुके हैं और हम लोग 12 बजे तक खूब बातें कर ली, अब थोड़ा अब रेस्ट करते हैं, सारा दिन थक गया तो पूरा ऐसा लगा सारा दिन काम खत्म किया, पैकिंग की, पैकिंग मुझे भी फिर से की और आज अपनी मम्मी के पास अपनी माँ के साथ, तो माँ के पास तो एक होता ही एक मजा अलग है, माँ के पास पहुँचने का, लड्डू का मेरी का और क्या। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, बाय बाय। ये तो सोने गया था, सो उठ उठ के वापस आ रहा है, तो ट्रैक्टर चाहिए इसे, ट्रैक्टर से खेलेगा, सो नहीं रहा, 12 बजे लड़का सो नहीं रहा, चल साल तक आप भी सो लो, क्या हुआ आज तो नानी के पास सोएगा, चलो आ गया भूत आ गया, टमाटर रात को 12 बजे तो भी टमाटर खा जा रहा है इसका, फ्रिज में से निकाल के शैतान, क्या अच्छा है, जूस है, जूस है, जूस पी रहे हो टमाटर का, जूस बाहर के जाते हैं ना तो जूस जूस मजा आ रहे हैं, इसको इसकी मस्ती देखने में ज्यादा मजे आ रहे हैं, शैतान मम्मा को दे दो, ले लो गया मम्मा को दे, खा लिया टमाटर, खा लिया मम्मा कौन चल ओए बुड्ढे चल जा गाड़ी लेके, भाई भाई ओ ये भाई है, भाई दोस्तों 12:30 बज गए हैं, रात के 12:30 बजे दिन निकल रहा है इसका, भाई ऐसे सोता है डेली, ऐसे ही सोता है, हाँ 12:30 हमने तो यहाँ ब्लॉग का एंड कर दिया था, दोबारा चालू करवा दिया, ब्लॉग का एंड कभी ना करो, 24/7 सुविधा उपलब्ध है, ये नहीं सोता, सबको जगा कर रखेगा, ये मी 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 दादी के ऊपर चढ़ गया, चढ़ गया दादी के ऊपर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये तो बोल रहे हैं तो ऐसे सोएगा, लेट लेट सोता है, और नो चल रहा उसका, तो चलो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय।